वेब स्टोरी से अनलिमिटेड ट्रैफिक आता है, लेकिन जो लोग ब्लॉगर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे उनको ट्रैफिक आ रहा था लेकिन इतना अर्निंग नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अलग डोमेन पे था, एडसेंस वहां पे एड शो नहीं करता था। लेकिन दोस्तों ये रिसेंट जो अपडेट आया है जिसके चलते आप लोग डोमेन सेटअप करके अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो और अपने एडसेंस से भी कमाई कर सकते हो वेब स्टोरी डाल के। और ये जो अपडेट है स्पेशली जो लोग ब्लॉगर यूज कर रहे थे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, एक भी पॉइंट को स्किप ना करें। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो देन मैं आपको बता दूं मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यहां पे बेल आइकन दबाए और ऑल पे दबा दे, ठीक है। जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों मैंने वेब स्टोरी के रिगार्डिंग कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है, लेकिन अभी रिसेंट जो अपडेट आया है ये ब्लॉगर प्लेटफॉर्म वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग अपडेट है जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है वेब स्टोरी क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को चेकआउट करें, ए टू जेड आपको गाइड मिल जाएगा आप लोग वेब स्टोरी कैसे बनाओगे और इसको अपने वेब स्टोरी को डिस्कवर में गूगल डिस्कवर में कैसे लाओगे ताकि आपको ट्रैफिक मिले। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे देता हूं और डिस्क्रिप्शन पे देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी बात करते हैं आप लोग अपना ब्लॉगर वेबसाइट के लिए डोमेन सेटअप कैसे करेंगे ताकि इजीली आप लोग ट्रैफिक गेन कर पाओ वेब स्टोरी डाल के। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है makestories.io पे, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके आप लोग ब्लॉगर वेबसाइट के लिए वेब स्टोरी पब्लिश करोगे। जैसे आप आ जाओगे आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है देन आपको साइन इन करना है, अगर आपने नहीं बनाया है देन आपको साइन अप करना है। और इसके साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप ब्लॉगर यूज करते हैं देन आप ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला वीडियो को, इसके अंदर मैंने साइन अप कैसे करते हैं करके दिखाया है। यहाँ पे 30 मिनट का वीडियो है, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा। लेकिन अभी का जो वीडियो आप देख रहे हो इसके अंदर हम प्रॉपरली बात करेंगे आप लोग डोमेन सेटअप कैसे करोगे। अभी आप लोग देख सकते हो मैं लॉग इन कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप लोग यहाँ पे साइन इन एंड साइन अप कर सकते हो और मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नया ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू स्टोरी, स्टोरीज, यहाँ पे इनिशिएटिव रिजल्ट, और इसके बाद फॉन्ट, शेड्यूल्ड स्टोरी, यहाँ पे आपको दिखेगा विजिट, अटैचमेंट, यहाँ पे दिखेगा आपको डोमेन्स। और यही जो स्टेप है डोमेन्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे नो कनेक्टेड डोमेन फाउंड, तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे सेटअप डोमेन पे आपको क्लिक करना है, और सॉरी मतलब यहाँ पे पहले डोमेन नेम डालना है उसके बाद सेटअप डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं कौन सा डोमेन ऐड करूंगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये रहा एक ब्लॉगर वेबसाइट, इसका डोमेन ओपन करते हैं, मतलब ये रहा cmspo.in, इसको कॉपी करके लेता हूं और डालता हूं कहां हूं यहां पे, ठीक है। आपको ये मतलब जो https वगैरह नहीं रखना है इनको हटाना है और www नहीं चाहिए, ठीक है, ओनली डोमेन रहेगा। आप देख सकते हो cmspo.in ओनली डोमेन रहेगा, ना https ना www, ओनली डोमेन। उसके बाद सेटअप डोमेन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, पहले तो दिखेगा सब डोमेन, उसके बाद दिखेगा रिजर्व प्रॉक्सी। तो यहाँ पे सब डोमेन जो क्विक है आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप हमारा जो डोमेन था यहाँ पे cmspo.in, अभी उसके पहले हम लोग क्या करेंगे वेब स्टोरी लगा देंगे, वेब्स और हाइफन स्टोरीज, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया वेब स्टोरीज, उसके बाद प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्रोसीड हो जाएगा, अभी प्रोग्रेस चल रहा है, यहाँ पे देखते हो सेटअप इन प्रोग्रेस। अभी आपको भी ये प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो कर लेना है। दोस्तों अभी आपको कुछ ऐसे मिलेगा DNS एंट्रीज, अभी आप सी नेम के अंदर आपको रेक नेम और नेम रिकॉर्ड पे आपको ये डालना है और वैल्यूज पे आपको ये डालना है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपने जहां से डोमेन परचेस किया है, तो मैं चलता हूँ GoDaddy पे क्योंकि ये डोमेन GoDaddy पे है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ GoDaddy अकाउंट पे जहां पे मेरा डोमेन है, आपको भी अपना डोमेन जहां पे है उसको ओपन करना है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो आपको यहां पे मिलेगा DNS, ठीक है। आप अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको जाना कहां है डोमेन का DNS मैनेजमेंट पे चलना है। और उसके बाद आप देखोगे यहां पे ऐसे आपको कुछ दिखेगा, अभी आपको ऐड ऐड पे क्लिक करना है और यहां पे चूज करना है टाइप, यहां पे रहेगा सी नेम, ठीक है। आपने यहां पे सी नेम सेलेक्ट कर लिया, अभी उसके बाद हमें रिकॉर्ड क्या डालना है इसको देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहां पे मैंने क्लिक कर दिया और अभी यहां पे डालना है नेम पे, हो गया आप देख सकते हो। उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, उसके बाद हम लाएंगे इस सेकेंड वाला ऑप्शन को, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको डालेंगे वैल्यूज पे, हो गया।
अभी इसको ऐड रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है। अभी आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, नो चेंजेस, आपको और कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपका काम हो गया खत्म। ठीक है दोस्तों, हमने अभी क्या किया, DNS एंट्रीज को प्रॉपरली कर लिया। ठीक है अभी और क्या करेंगे, अभी सिंपली आपको दोबारा वही पे डोमेन सेक्शन पे चलना है। ठीक है जैसे आप लोग डोमेन सेक्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या कहेगा, देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे डोमेन जो आपने बनाया था सब डोमेन। ठीक है उसके यहाँ पे देखिए, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे अभी आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखिए पेंडिंग। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, डिलीट, उसके बाद गेट SSL सर्टिफिकेट, उसके बाद वेरीफाई। अभी आपको सबसे पहले गेट SSL सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपका ये जो डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा, थोड़े टाइम लगेगा उसके अंदर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस पे चल रहा है। जी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाइड यानी कि हमारा SSL सर्टिफिकेट एक्टिव हो चुका है। दोस्तों अभी SSL तो जनरेट हो गया, अभी और क्या करेंगे, यहाँ पे अभी दो ऑप्शन बचता है, डिलीट एंड वेरीफाई। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और जैसे आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करोगे इमीडिएटली हो सकता है वेरीफाई हो जाए, मैं भी वेरीफाई नहीं भी हो सकता है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको और क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको स्टोरीज बनाना है क्योंकि हमें स्टोरी को पब्लिश करने के लिए डोमेन चाहिए था जो कि ऑलरेडी हमने सेटअप कर दिया। अभी सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे क्रिएट न्यू स्टोरी पे। ठीक है जैसे आप लोग जाओगे क्रिएट न्यू स्टोरी पे तो यहाँ पे आपको बोलेगा स्टोरी का नाम आप क्या देना चाहते हो। मैं यहाँ पे सिंपली इसको विदाउट स्टोरी का नाम दे स्किप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों मैं अभी आपको एक डेमो स्टोरी बना के दिखाता हूँ, लेकिन आपको इस तरह नहीं, वो वीडियो जो कि मैंने आपको रेकमेंड किया उसको फॉलो करना है कैसे स्टोरी बनाते हैं प्रॉपरली। ठीक है अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा होगा। अभी मैं पहले, मुझे मिनिमम 5 स्लाइड चाहिए तो मैं पहले 5 स्लाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 5 स्लाइड, तो अभी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक एक स्लाइड सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है यहाँ पे हर एक स्लाइड अलग अलग लेता हूँ, सिलेक्ट कर चलता हूँ। ठीक है यहाँ पे हो चुका है 3 और ये हो गया हमारा 4 नंबर स्लाइड, और 5 नंबर के लिए सेम में वही दोबारा सेलेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे हमारा 5 स्लाइड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली अभी हमें यहां पे पब्लिश पे क्लिक करना है और पब्लिश आज स्टोरी पे क्लिक करना है। यहां पे आपको क्या देना है दोस्तों, यहां पे आपको अपना नाम देना, मतलब टाइटल का नाम देना है। अभी आप पूछोगे भाई टाइटल कैसे लिखे, टाइटल आपको 10 कैरेक्टर टू लेके 40 कैरेक्टर के अंदर लिखना है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको ये वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली वेब स्टोरी कैसे बनाते हैं और कैसे उस पर काम करोगे ताकि उस वहाँ पे ट्रैफिक आएगा, SEO कैसे करोगे, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा गाइड। और आपको लिंक तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों आपको टाइटल डालना है, टाइटल डालने के बाद नाम डालिए, उसके बाद लोगो URL यहाँ पे देना है, कैसे देना है आपको वो वीडियो में प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपको सारा डिटेल्स पहले फिल करना है, उसके बाद आपको पोस्टर सिलेक्ट करना है यानी कि आपके जो पोस्ट का आप जो पब्लिश करेंगे जो स्टोरी उसके लिए पोस्टर इमेज क्या रखेंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आइदर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, खुद ऐड कर सकते हो, नहीं तो जो फ्री मीडिया अवेलेबल होता है वो आप यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे देखिए मैं एक चूज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ देखा पाऊँ कि आप पब्लिश कैसे करोगे। ठीक है अभी ये लोड हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक प्रॉपर वेब स्टोरी बनाना चाहते हो ना वो वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है तो यहाँ पे आपको पोस्टर इमेज सिलेक्ट कर लेना है जो कि मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे वही हम करेंगे। ठीक है यहाँ पे मैंने पोस्टर इमेज सिलेक्ट कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे आपको और एक सीक्रेट चीज बताता हूँ, जब भी आप पोस्टर इमेज सिलेक्ट कर रहे हो पोस्टर इमेज, उस टाइम थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक रहे ऐसे ही कुछ इमेज सिलेक्ट करिए, क्योंकि अगर बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा तो यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है वो व्हाइट दिखेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, मतलब लोगों के पास जल्दी विजुअल होगा, वो टाइटल इजिली पढ़ पाएंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है अभी आपको ये करने के बाद अभी क्लोज कर देना है, और जैसे आप लोग क्लोज करोगे यहाँ पे ऑप्शन तो खुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक खुला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाला नहीं लोगो एंड फेविकन का URL, वो पहले मैं डाल देता हूँ। अभी आप देख सकते हो मैंने डालने के बाद यहाँ पे ओपन हो चुका है सेव एंड प्रोसीड। अभी आप क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली SEO टाइप सिलेक्ट करना है, आर्टिकल्स। ठीक है अगर आपको ज्यादा जल्दी व्यूज चाहिए तो आपको यहाँ पे देखिए आर्टिकल टाइप पे आपको क्या करना है, न्यूज आर्टिकल। ठीक है उसके बाद आप अपना टाइटल तो आपने लिख लिया है, कीवर्ड मतलब आप किसके रिगार्डिंग पोस्ट डाल रहे हो, मतलब स्टोरी डाल रहे हो, वो भी थोड़ा मेंशन करें, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखे। ठीक है डिस्क्रिप्शन भी लिखे, उसके बाद आप सोशल मीडिया के लिए जो इमेज लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, जो इमेज आप पोस्टर इमेज के लिए यूज कर रहे हो उसी को ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है
और उसके बाद आप पर्सन यहाँ पे देख सकते हो, पर्सन कौन सा है मतलब, उसके बाद यहाँ पे ऑथर टाइप, पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी होगा, और मतलब पर्सन अगर आपका खुद का वेबसाइट है आप पर्सन सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अगर आप मल्टीपल कम्युनिटी ब्लॉग है तो आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो, और ऑथर का नाम यहाँ पे रहेगा और पब्लिशर का नाम यहाँ पे रहेगा, यानी कि आपका वेबसाइट का नाम यहाँ पे रहेगा और ऑथर का नाम यहाँ पे रहेगा, उसके बाद पब्लिशर लोगो रहेगा और पब्लिशिंग डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अभी इसको मतलब अपडेट कर रहे हो तो अपडेट डेट अलग चूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे पब्लिश ही कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा आपके वेबसाइट का लोगो और यहाँ पे ऑथर का ट्विटर हैंडल और ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का ट्विटर हैंडल, ठीक है, मैं वो भी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरना है ताकि आपको जेन्युइनली ट्रैफिक मिल सके। अभी आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है कि सब कुछ तो सही है लेकिन फॉलोइंग इमेज डू नॉट हैव ऑल टेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इमेज के बारे में, इमेज मतलब ये किस तरह का इमेज है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बस डेमो के लिए कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि मैं जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि ये हो गया हेडफोन का इमेज, तो आप लिख सकते हो हेडफोन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो गूगल एनालिटिक का आईडी आप डाल सकते हो, फेसबुक आप आईडी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पुराना गूगल एनालिटिक का कोड है देना आप यहाँ पे वो डाल सकते हो, वो काम करेगा। GA4 यानी कि नया गूगल एनालिटिक का कोड यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसके बाद AdSense का कोड अगर आप एक बार डाल दोगे देन आपको बार बार डालने का जरूरत नहीं है। और ये कैसे डालोगे, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, लेकिन अभी ये भी डाउट है कि हमने यहाँ पे सबडोमेन बनाया है तो सबसे पहले आपको AdSense अकाउंट के अंदर सबडोमेन का ऐड करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता कमेंट करिए, मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपना ऐड कोड बना के डाल सकते हो, लेकिन सब डोमेन बनाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐड शो होगा सब डोमेन पे, अपने ओरिजिनल डोमेन पे नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली पब्लिश स्टोरी पे क्लिक करना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे वो डोमेन जो आपने ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये आपके, देखिए अभी आपका टाइटल ये रहेगा, मतलब सॉरी URL, मतलब आपका वेबसाइट का लिंक ये होगा, उसके बाद आपका URL ये होगा। लेकिन आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो, जैसे कि मैं अभी इसको इतना हटाता हूँ, छोटा कर देता हूँ URL को, ठीक है। मैंने अभी क्या कर दिया, अभी क्या करूंगा, सिंपली इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा। अभी ये हो जाएगा पब्लिश, थोड़ा टाइम वेट करिए, ये पब्लिश हो जाएगा। यही पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज था कि भाई हम लोग कैसे करें, क्या करें, डोमेन कैसे सेटअप करें, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया ताकि आप लोग इजीली कर पाओ, ठीक है। स्पेशली जो ब्लॉगर लोग ये नहीं कर पा रहे थे उनके लिए तो ये सॉल्व हो गया, आप लोग भी देख सकते हो आपके सामने पूरा रेडी, मतलब पब्लिश हो गया आपके, मतलब आपका जो सबडोमेन, आपका सबडोमेन पे पब्लिश हो चुका है। अभी आप व्यू स्टोरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है आपका स्टोरी। देखिए ये दोस्तों यहाँ पे SSL भी एक्टिव है और आपका सबडोमेन पे ही यहाँ पे चल रहा है आपका स्टोरी, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टोरी कंप्लीट पब्लिश हो गया, लेकिन अभी आपको कॉपी करना है, आप जहां पे भी एम्बेड करना चाहते हो अपने वेबसाइट पे इंडेक्स जल्द, ताकि आपका जो पोस्ट मतलब आपका जो स्टोरी है जल्दी इंडेक्स हो जाए, इसलिए आप अपने पोस्ट के अंदर इसको एम्बेड कर सकते हो ताकि जल्द से जल्द आपका स्टोरी इंडेक्स हो जाए और आपको ट्रैफिक मिले, ठीक है, आपको ये करना है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने स्टोरी यहाँ पे पब्लिश कर दिया लेकिन अभी तक हमारा डोमेन वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो स्टोरी पब्लिश हो चुका है प्रॉपरली, जिस तरह से हम बनाए हैं, मतलब बना तो नहीं है, मतलब यहाँ पे तो मैं कुछ बनाया नहीं हूँ, लेकिन बस वही स्लाइड जो था उसको ही इंपोर्ट कर दिया हूँ। लेकिन आपको खुद बनाना है और कैसे बनाना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको रिकमेंड किया है कौन सा वीडियो आपको देखना है, ठीक है। अभी आप लोग देख लीजिए ये रहा कंप्लीट स्टोरी हमारा जो कि रेडी हो चुका है। तो ये सिंपली आप यहाँ पे कॉपी एम्बेड का URL ले सकते हो, अपने पोस्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हो। अभी चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम पे, अभी यहाँ पे वापस चलिए, सॉरी मैं दोबारा क्लिक कर दिया, मतलब वापस अभी आप आ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे दोबारा हमें चलना कहाँ है, डोमेन पे। जैसे आप लोग डोमेन पे जाएंगे अभी आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे दोबारा आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोग एक स्टोरी पब्लिश करोगे उसके बाद आपका ये सब डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। ये सब डोमेन जैसे ही आपका सब डोमेन वेरीफाई होता है, अभी आपको साइट मैप भी मिल गया, आप लोग सिंपली ब्लॉगर पे जा सकते हो और साइट मैप को ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपको आसानी से ट्रैफिक मिल सकता है।
और ये अपडेट काफी ज्यादा अमेजिंग है। ब्लॉगर जो यूज करते हैं और उनको इस तरह से ट्रैफिक भी आएगा और कमाई भी होगा। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था, जो मिक्स स्टोरी के अंदर आप लोग अपना स्टोरी को पब्लिश कर रहे थे तो वहां पे एड्स शो नहीं हो रहा था, आपका कमाई नहीं हो रहा था। लेकिन ये आपका खुद का सब डोमेन बन चुका है, आपका डोमेन का खुद का सब डोमेन बन चुका है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे खुद से यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी ये जो डोमेन बना है, मतलब ये आपका सब डोमेन बना है, सो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब डोमेन को अपने एडसेंस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको ये नहीं बताए कैसे करते हैं, डेफिनेटली कमेंट करें, मैं उसका वीडियो भी जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को मिला है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर करूंगा, जरूर करूंगा। और दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो together।